जिनके घर पर कुछ बर्ड्स होते हैं, वो चाहते हैं कि एक बर्ड ब्रीड जरूर हो, और एक बार अगर ब्रीड हो जाती है तो वो चाहते हैं कि हर साल और बार बार ब्रीड हो। उसके पास बहुत सारे चिक्स आए, तो हम आज आपको कुछ टिप्स देंगे, वो अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके यहाँ बहुत अच्छी ब्रीड होगी। आप देख रहे हैं अपना चैनल एक्सोटिक बर्ड फार्म महाराष्ट्र, इसमें आप सभी का स्वागत। आप सभी को हमारा नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अपने बर्ड से अच्छी ब्रीड ले सकते हैं। वाइल्ड में इनका नेचर जंगलों में अगर देखा जाए तो ये ब्रीड तभी करते हैं जब इनके पास बहुत सारा खाना होता है, यानी कि मानसून के टाइम हरियाली बहुत होती है जंगल में, तो उस टाइम इनको खाने को भी बहुत अच्छा मिलता है और पानी भी इनको हर जगह अवेलेबल होता है पीने के लिए, तो उसी दौरान ये बहुत ज़्यादा ब्रीड करते हैं क्योंकि मानसून में खाना पानी अच्छी तरह से मिलता है। तो इसी तरह से हमें इनकी ब्रीड लेनी होती है, तो हम इनको बहुत अच्छा खाना देते हैं, बहुत अच्छा पानी टाइम टू टाइम चेंज करते हैं, पानी का ख्याल रखना होता है और अच्छा खाना जिससे इनको बहुत सारे न्यूट्रिशन मिले, ऐसा खाना प्रोवाइड करना चाहिए। तो समझ लीजिए जितना अच्छा खाना आप इन्हें देंगे और इनका ख्याल रखेंगे और अच्छे अच्छे मल्टीविटामिन्स प्रोवाइड करेंगे जिससे कि इनके बॉडी के अंदर किसी भी चीज़ की कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जब इनका ब्रीडिंग स्टार्ट होता है तो उस दौरान इनकी बॉडी के बहुत सारी पावर की ज़रूरत होती है जो कि न्यूट्रिशन से प्रोवाइड होती है। जितना अच्छा न्यूट्रिशन हम देंगे इनको, टाइम टू टाइम सीड मिक्स देंगे, इसी तरीके से टाइम टू टाइम सॉफ्ट फूड देंगे, बदल बदल के सॉफ्ट फूड देंगे ताकि इनकी बॉडी में किसी भी तरह की कोई कमी ना आए। उसके साथ साथ हमें वीकली और मंथली जो हम कोर्स करवाते हैं मल्टीविटामिन का और कैल्शियम का, वो अगर इनकी बॉडी को टाइम टू टाइम मिलता रहेगा तो इनकी बॉडी बहुत ही फिट रहेगी और ब्रीडिंग सीजन में किसी भी तरीके की कमजोरी का शिकार हमारे बर्ड्स नहीं होंगे। नेचुरली देखा जाए तो कुछ बर्ड ऐसे होते हैं जो कि साल में एक बार ब्रीड करते हैं और कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि दो या कई बार ब्रीड करते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, चार चार बार ब्रीड लेते हैं, तो जाहिर सी बात है कि कहाँ ये दो बार करते हैं और ज़्यादा बार हम उनसे करवाते हैं। तो इसी वजह से हमें इनकी डाइट का भरपूर ख्याल रखना होता है, तो हम जितनी अच्छी डाइट इन्हें देंगे और सीजन के अनुसार खाना प्रोवाइड करेंगे तो बर्ड्स की हेल्थ अच्छी रहेगी। बर्ड्स को टाइम टू टाइम यानी कि मॉर्निंग में सॉफ्ट फूड ज़रूर दें, दिन में दो बार पानी ज़रूर चेंज करें, सीड मिक्स इनको सीजन के अकॉर्डिंग दें। 6 महीने एक तरीके का सीड मिक्स चलता है, तो एक बार सीड मिक्स बनवाएंगे तो वो 6 महीने तक चलेगा। उसी तरीके से दोस्तों सॉफ्ट फूड है, उसमें भी आपको ज़्यादा चेंजिंग नहीं है, आधी चीज़ें तो ऐसी है जो सर्दी में खिलानी है और गर्मी में भी खिलानी है, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, सर्दियों में ठंडा खाना उन्हें नहीं देना है और गर्मियों में जो गर्म खाना होता है वो नहीं देना है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। और आपको किसी और टॉपिक पर कोई जानकारी जाननी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।